नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के ये कैजुअल लेबर मुलाजमीन हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दे रहे हैं। इनके जितने भी मसाइले हैं वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने आप को बताऊंगा, माई सेल्फ एडवोकेट एम आई जरगर, आई एम चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया। और आज जो कैजुअल लेबर्स हैं रिहेबिलिटेशन, ये पिछले 20 सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उसमें कश्मीर के भी हैं, कुठवा के भी हैं, जम्मू के भी हैं। तो उनको एक साल से अभी तक तनख्वाह नहीं मिला है। आज आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, मैं एलजी गवर्नमेंट को ये गुजारिश करता हूँ कि ये ग्रेव एंड सीरियस वायलेशन है उनके साथ हो रही हैं। अब इनके बड़ा दिन शिवरात्रि भी आने वाली है और इनके बच्चों का फीस भी है, एक साल से उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिला है। और आज आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि एलजी गवर्नमेंट को, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना मुमकिन हो, जितना दस्ती हो, एक इनको डेली बेसिस पर और परमानेंट बेसिस पर किया जाए, क्योंकि आपके यूटी में बड़े प्रोविजन आए हैं और उसमें इमीडिएट स्टेप उठाए। अगर इसको कहीं हमारी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम करने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात, इनको एक हफ्ते के अंदर इनको जो एक साल का वेजेस पड़े हुए हैं इनको रिलीज़ किया जाए, क्योंकि शिवरात्रि भी है, बच्चों का फीस भी है और दूसरे घरों में बड़ी किस्म की बीमारी, परेशानी, महंगाई में क्या करेंगे ये लोग। बाकी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और आज इस माध्यम और ये 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं। एक हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जब इनको बुलाएंगे नाइट शिफ्टी में, डे शिफ्टी में दे रहे हैं। इसके लिए एक प्रोविजन है, अगर इनके पास अभी फंड्स नहीं है, इनके पास एक प्रोविजन फंड से एक स्कीम होती है ताकि उसमें उनको पैसा दे, जब उनको पैसा आए तो उनको कन्वर्ट करे, तो इनको क्यों परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के जो भी अभी कैजुअल लेबर्स एंड रिहेबिलिटेशन के ये कैजुअल लेबर सारे आए हैं, जो मेरे पीछे बैठे हैं, तो कुछ खड़े हुए हैं, सारे हैं, तो इनके भी यही डिमांड है और नेशनल ह्यूमन राइट्स भरपूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो आज हम गवर्नर से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और एक बाज़ाब्ता डीओ लेटर भी कर सकते हैं और रिलीफ कमिश्नर के एक मेमोरेंडम भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ 2-3 दिन का इनका टाइम देते हैं, 3 दिन के अंदर इनका ये सारा जो कैजुअल लेबर्स इनके वेजेस है, तनख्वाह वगैरह है, वो इमीडिएट रिलीफ ये